Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are here with us on Unicorn. So we are here with another video in our series of solving MTPs, and this is the MTP for the subject Business Law. We have already provided you the revision for first two chapters, that is your Indian Contract Act and Indian Partnership Act, completely on the channel. In case you have not yet seen them, I will provide you the link in the description box below. Do click on that link and you will be able to cover the entire syllabus in just 5 videos, right? So I hope you go and check them out. And another thing, if you have not yet subscribed to the channel and you are new to the channel, do click on subscribe button as well as the bell icon so that you are notified with every new video that we are uploading and every new question that we are solving. So moving forward with the video, what we are having today, आज हम MTP solve करने वाले हैं जो कि आपके December 21 examination के लिए first series issue करी है ICAI ने. तो वहाँ पे हमारे पास वही pattern होता है जिस तरह से आपके exam paper आते हैं. What you need to do is take this paper and sit down and write these papers ताकि आपको ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है. उसके बाद में आप इसे जरूर check करें कि इस वीडियो में जो आपको आंसर्स दिए गए हैं आपने भी वही लिखी हैं. उसका जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या वो एक्सप्लेनेशन इसमें होगा, आपने कितना सही किया कितना गलत किया, ये एक सेल्फ इवैल्यूएटिंग टेस्ट होते हैं. सो आप इसे जरूर एक बार लिख के प्रैक्टिस करें बजाय इसके कि हमने केवल क्वेश्चन देखे हैं. दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स. जब आपको क्विक रिविजन चाहिए तब आप इस वीडियो को फटाफट स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं ताकि आपके रिविजन में आपकी हेल्प हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एमपीपी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आपका केस स्टडी है. एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1A आपका केस स्टडी है. उसमें वो क्या कहता है, राहुल गोज टू सुपरमार्केट टू बाय अ वॉशिंग मशीन. फाइन, नो इश्यूज. राहुल वॉशिंग मशीन खरीदने मार्केट में गया है, इम्पोर्टेंट है, सुपर मार्केट में गया है. ही सेलेक्ट्स ए ब्रांडेड वॉशिंग मशीन हैविंग अ प्राइस टैग ऑफ 15,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 3,000. ओके, नो इश्यूज. राहुल रीचेज द कैश काउंटर फॉर मेकिंग द पेमेंट बट कैशियर सेज, सॉरी सर, द डिस्काउंट वॉज अप टू यस्टरडे, देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम टूडे, हेंस यू हैव टू पे रुपीज 18,000. Now, Rahul got angry and insist on paying rupees 15,000. Now, you need to state the reasons whether in the Indian Contract Act, Rahul can actually force the cashier to give the discounted price. Now, this is the most simplest question. आपके पास में काफी बार ऐसे question आ चुके हैं, तो ये आपके लिए difficult नहीं होना चाहिए. तो इसमें हमारे पास में एकदम सिंपल सादा सा कंसेप्ट है. हमने कहा इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है सुपरमार्केट, और दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड आपके पास में आया है प्राइस टैग. दिस इज रियली एन इम्पोर्टेंट वर्ड, प्राइस टैग. क्यों प्राइस टैग इतना इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज प्राइस टैग का क्या मतलब हो गया है कि आपका ये जो ऑफर है दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर रेदर देन बीइंग एन ऑफर. तो क्योंकि ये इन्विटेशन टू ऑफर है, हमने वहां देखा है वर्ड प्राइस टैग आता है, क्योंकि प्राइस टैग एक इन्विटेशन टू ऑफर है, तो इसका मतलब बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल हो गया कि राहुल उसे फोर्स नहीं कर सकता है. इन्विटेशन टू ऑफर था, राहुल ने ऑफर दिया और कैशियर ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. इन्विटेशन टू ऑफर का कभी भी एंड प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर दे कैन नॉट फोर्स यू टू एंटर इनटू दिस, राइट, करेक्ट. तो यहाँ पे सीधा सिंपल इन्विटेशन टू ऑफर का एक्सप्लेनेशन आपको देना है और ये कहना है कि राहुल फोर्स नहीं कर सकता, राइट. सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव इज दैट द पेड अप कैपिटल ऑफ राम प्राइवेट लिमिटेड इज 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. लखन प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इन राम लिमिटेड. नाउ वी हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट राम प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ लखन प्राइवेट लिमिटेड और नॉट. सिर्फ इतना सा बताना है, हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है. सब्सिडियरी में हमने दो बेसिक कंडीशन ली हुई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल किसके पास है और वोटिंग राइट किसके पास है. ठीक है, फोकस ऑन द फैक्ट इट इज सेइंग अबाउट वोटिंग राइट्स, बट द क्वेश्चन
कमीशन इज नॉट क्लियर अबाउट द वोटिंग राइट्स. ठीक है, आपको इसने बताया है कि 7 लाख इक्विटी और 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पर हमें ये नहीं पता कि प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट है या नहीं. सो जनरली स्पीकिंग, ऑन जनरल टर्म्स, प्रेफरेंस शेयर्स के पास में वोटिंग राइट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास में रिस्क कम होता है, डिविडेंड में प्रेफरेंस है, तो वोटिंग राइट्स रिड्यूस हो जाती है, और इक्विटी में होती है. तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको वोटिंग राइट अज्यूम करनी पड़ेगी. राइट, अगर 7 का हाफ हम लेते हैं, इट शुड बी मोर देन 3.5, करेक्ट. 3,50,000 शेयर्स होने चाहिए थे, बट वहां पे अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं तो ओनली 3 लाख शेयर्स आपके पास है. इसका मतलब क्लियर कट, ये तो क्लियर है कि आपके पास मेजोरिटी तो नहीं है. प्रेफरेंस शेयर में आपका 100% उनके पास है, तो आपके डिसीजन के ऊपर ही बहुत इंपैक्ट करेगा. आपको वहां पे एक अजम्पशन लिखना पड़ेगा. अजम्पशन क्या होगा? अजम्पशन में हम ये देंगे कि प्रेफरेंस शेयर के पास में वोटिंग राइट है या नहीं. फॉलोइंग द जनरल प्रोविजंस, जो हम जनरली देखते हैं कि प्रेफरेंस के पास में वोटिंग राइट नहीं होती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, आपके पास क्योंकि 51% का मेजोरिटी नहीं आ रहा है, मोर देन 50% का मेजोरिटी नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशन में नहीं है. बट अगर आप इसमें ये अजम्पशन डालते हैं कि प्रेफरेंस के पास में वोटिंग राइट है, तो फिर आपको इसे एकदम नए नजरिए से देखना पड़ेगा. यहाँ पे आप टोटल इसको 10 लाख करेंगे, और उसमें से आपको देखना है कि 10 लाख का 50% 5 हो जाता है, तो 5 लाख शेयर्स हैं कि नहीं. उसके अकॉर्डिंग 3+3 6 लाख शेयर्स हो गए, तो आप कह सकते हैं कि ये होल्डिंग सब्सिडियरी है. ठीक है, तो आपके दो अजम्पशंस रहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर. पहला अजम्पशन है कि प्रेफरेंस के पास में यहाँ पे कोई तरह की वोटिंग राइट नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द करेक्ट प्रेजम्पशन. एंड द सेकेंड वन इज, इन केस यू राइट कि आपके पास प्रेफरेंस में वोटिंग राइट है, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा. फाइन, तो इस तरीके से दो आंसर यहाँ पे हो सकते हैं करेक्ट. बट आई विल से कि यू प्रेफर द फर्स्ट वन, जिसमें प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं है. वाई? Because generally preference shares के पास में voting rights नहीं होती है, equity के पास ज़्यादा voting rights रहती है. Clear? So this was a good question. Then moving on to the next question, which is a direct question. अगर हम एक direct question की बात करें, 4 exceptions बताने हैं caveat emptor के. इससे simple question क्या होगा? एकदम specify कर दिया कि कितने बताने हैं. आपका ये डाउट बिल्कुल खत्म हो गया कि मैम कितने बताएं, 4 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने. एकदम क्लियर कट 4 एग्जेम्पशन बताने हैं केवीएट एम्पिटर के, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है. हम 4 पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें हमने आपका क्वालिटी फिटनेस भी दिया है, सैंपल भी दिया, डिस्क्रिप्शन भी दिया. 4 पॉइंट विथ एक्सप्लेनेशन, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देना है. एकदम सीधा क्लियर कट क्वेश्चन है. राइट, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. Anticipatory breach of contract is breach of contract occurring before the time fixed. Fine, we know that. Discuss the effect of anticipatory breach. Again, direct question. हाँ, ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि effect के ऊपर हमने इतना बड़ा answer यहाँ पे नहीं देखा है. क्या? But this answer is available in your modules. How? आपके पास module में एकदम clear कर दिया हुआ है कि anticipatory breach के अंदर दो impact हो सकते हैं. पहला impact हो सकता है कि आप उसे उसी वक्त ब्रीच मान सकते हैं, उसको वहां पे एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ट्रीट कर सकते हैं. या फिर दूसरा इंपैक्ट हो सकता है कि आप वेट करें कि सर जब तक एक्चुअल ब्रीच नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल ब्रीच के बाद में हमारी राइट्स भर जाती है और फिर हम उसे एक्चुअल ब्रीच की तरह ट्रीट करें. राइट, ये आपका इसका आंसर है. हाँ, ये बात जरूर है कि मैम 7 मार्क्स में इतना सारा क्या लिखना है. देन इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको ये नहीं देखना है कि मार्क्स कितने हैं, आपका कंटेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. इसमें इसकी डेफिनेशन आ जाती है, एक केस स्टडी कोट हो जाता है, उसके बाद में दो इंपैक्ट आ जाते हैं. इस तरह से 4 से 5 पॉइंट आपके इसमें बनते हैं. एकदम क्लियर कट डायरेक्ट आंसर है, तो उसमें आप उतना ही लिखें. केवल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैम हमने 1.5 पेज का कर दिया. दैट इज नॉट एडवाइजेबल, ये आप वहां पे नहीं करके आएंगे. करेक्ट, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर आपके पास उसकी डेफिनेशन सर, एक तो टाइम के पहले ब्रीच है, एक उसका एग्जाम्पल और केस लॉ कोट करना होता है, तीसरे इसका इंपैक्ट के अंदर 2 पॉइंट है. तो ये आपको 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, ये तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है. राइट, सो दैट वाज आवर आंसर. पॉइंट नंबर 2 के ओर हम चलते हैं. उसमें हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 2 में जब हम देखते हैं वहां पे आया है LLP. ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इस LLP का क्वेश्चन. 5 मार्क्स आपका LLP कवर करता है. हम जानते हैं सिंपल क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट फ्रॉम द बुक क्वेश्चन होता है. LLP इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म दैट गिव्स द बेनिफिट ऑफ LLP एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. एक्सप्लेन, दिस इज
quite a favorite question. Almost every MTP में ये question आता है. इस बार आपके May exams में भी ये question आया था. सीधा सा simple सा point है. दो point इसके अंदर बनते हैं. एक तो आपका बनता है limited liability का, दूसरा बनता है flexibility का. कि सर जो उसका structure है, corporate structure है, जिस तरह से हम उसे capital arrange करते हैं, जो capital structure है वो किस तरह से है, बहुत flexible है, आप किसी भी तरीके से arrange कर सकते हैं, partnership जैसे भी कर सकते हैं, company जैसे भी कर सकते हैं. तो ये चीजें आपके पास में इसके अंदर दो point आते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्ट फ्रॉम द बुक. ये दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, अलग अलग एक्सप्लेन करके दिए गए हैं, एलएलपी के लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का फीचर. तो इन दोनों को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल. 5 मार्क क्वेश्चन, कोई इसके अंदर आपको सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फाइन, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, एन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ इफ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, देन आई थिंक दैट वी शुड हैव अ थरो रिविजन अगेन, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस entire MPP, that is the partnership or joint stock company. Partnership or company के differences, तो 12 points को हमें इतने अच्छे से याद है कि मैंने 6 mark को question है, हम पूरे 12 points यहाँ लिख के आएंगे और एकदम सही. इसके अंदर ये 6 mark आप कहीं नहीं जा सकते, correct? Take note of the point that आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं और उसके अंदर आप छोटी छोटी मिस्टेक ना करें जिससे आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, राइट? तो आपको पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के यहाँ पे डिफरेंसेस देने हैं, क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 2, अगेन अ केस स्टडी. क्या कहता है ये? रोहन इज रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर इन दिल्ली. ही सेल्स हिज ग्रोसरी बिजनेस इंक्लूडिंग गुडविल वर्थ रुपीज 1 lakh टू रोहित फॉर अ सम ऑफ रुपीज 5 lakh. 1 lakh की गुडविल 5 lakh में बेची है. फाइन, आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल रोहित मेड एन अग्रीमेंट विद रोहन. एज पर दिस एग्रीमेंट रोहन इज नॉट टू ओपन अनदर ग्रोसरी स्टोर सिमिलर काइंड इन होल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 years. होल ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 years. हाउएवर रोहन ओपन्स द स्टोर इन द सेम सिटी 2 months लेटर. Now, what are the right available with Rohit regarding the restriction imposed? अब देखिए यहाँ पे पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि सर ये बात तो यहाँ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड की कर रहा है और गुडविल सेल की कर रहा है, तो सर ये तो अलाउड है. अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि होल ऑफ इंडिया और 10 years, क्या इतने लंबे टाइम के लिए भी अलाउड है या नहीं, राइट? तो हमारे पास मॉड्यूल में दिया गया है कि मैम रीजनेबल एरिया एंड रीजनेबल टाइम इज फाइन, बट आपको लंबे टाइम के लिए अलाउड नहीं. सो व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल एरिया एंड रीजनेबल टाइम? सो रीजनेबल एरिया का हमारे पास ये मीनिंग आता है कि इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज इन अ पर्टिकुलर सिटी, इन अ पर्टिकुलर स्टेट, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर कंट्री. रीजनेबल टाइम का मतलब हमारे पास आता है 2 years, 3 years, बट नॉट 10 years. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर होल ऑफ इंडिया और 10 years इज क्वाइट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, ठीक है? क्योंकि ये दोनों टाइम अनरीजनेबल है, इसीलिए रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का प्रोविजन हम यहाँ पे मान के नहीं चलेंगे. और क्योंकि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड यहाँ पे वैलिड नहीं आया बिकॉज ऑफ अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे रोहन के पास में किसी तरह की राइट नहीं रहेगी और रोहित जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो जितने चाहे ग्रोसरी स्टोर खोल सकता है. हाँ, अगर ये रेस्ट्रिक्शन थोड़ी कम होती फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पे जरूर हमें ये वैलिड होता और उसके पास राइट होती, बट बिकॉज इट इज फॉर ऑल ओवर इंडिया एंड 10 years, देन इट इज नॉट अ वैलिड कंडीशन. फाइन, क्लियर? पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा, आपको पूरा प्रोविजन बताना पड़ेगा कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होता है, उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, कितना रेस्ट्रिक्टिव है और क्या कंक्लूजन है. फाइन, ये तीनों कंडीशन एकदम अच्छे से एकदम क्लियरली आपको मेंशन करनी है, ये आपका केस स्टडी होगा. फाइन, क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल टू अ बोना फिडे परचेजर ऑफ गुड्स फॉर द वैल्यू अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. नाउ This is the most favorite question. हमें हर एक MTP में question देखने को मिलता है sales of goods act में. कैसे? मैम ये तो देखा हुआ ही नहीं है. मैम बोनाफिडे क्या होता है? मैम नया वर्ड आ गया. नहीं, नया वर्ड नहीं है. बोनाफिडे मतलब बाइंग इन गुड फेथ, जो कि आपका एक ऐसा बायर जो कि गुड फेथ में आपसे सामान खरीद रहा है. तो क्या आप सेलर नहीं होते हुए भी एक गुड टाइटल पास कर सकते हो?
रिमेंबर व्हाट द टॉपिक इज. आपने अगर लेक्चर्स देखे हैं या आप एक लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको ये टॉपिक तो 110% याद होना चाहिए, राइट. दिस इज नेमो दैट क्वाड, राइट. तो ये वो वाला टॉपिक है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व. एकदम सीधा क्लियर कट 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. 8 पॉइंट्स है मॉड्यूल में. इफ यू रिमेंबर इट, प्लीज मेंशन ऑल द 8 पॉइंट्स. 6 मार्क क्वेश्चन है. आराम से 8 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा डायरेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल एज इट इज क्वेश्चन. ओके, फाइन. ये 6 मार्क आपके कहीं नहीं जाने चाहिए. Then, moving on to the next question. Again, it is a case study. Sohan, Rohan and Jay are partners in the firm. The firm is the dealer in furniture. Office furniture देते हैं वो लोग. They have regular dealings with Messrs. A, B and Company for the supply of furniture on their business. On 30th June 2020, one of the partners, Mr. Jay, died in road accident. The firm has ordered Messrs. A, B and Company to supply furniture for the business On 25th May 2020, ठीक है, 30 जून को उनकी डेथ हुई है, 25th मई को उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया है. नाउ सोहन एंड रोहन कंटिन्यू विद द बिजनेस इन द फर्म्स नेम आफ्टर जेड डेथ. द फर्म डिड नॉट गिव नोटिस ऑफ द डेथ टू पब्लिक और द पर्सन डीलिंग विद द फर्म. मेसर्स ए एंड कंपनी डिलीवर्ड द फर्नीचर ऑन 25th ऑफ जुलाई. 30th जून को डेथ हुई है, 25 जुलाई को फर्नीचर डिलीवर हुआ है. फाइन. द फैक्ट अबाउट जेस डेथ इज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. आफ्टरवर्ड्स द फर्म बिकेम इनसॉल्वेंट एंड फेल्ड टू पे द प्राइस. नाउ ए बी एंड कंपनी फाइल्ड द केस अगेंस्ट द फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन. Explain whether Jay's private estate is liable for the price paid. Now, this is a long question, but the conclusion is very, very, very simple. जब हम question पढ़ना शुरू करते हैं, हमें लगता है बहुत लंबा है, बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे facts हैं. Actual में आपको सिर्फ एक line बहुत ध्यान से पढ़नी है, वो ये है, explain whether Jay's private estate is also liable for the price of furniture purchased. तो हमें इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है. सबसे पहली बात आपके पास में क्या आएगी कि सर, एक तो डेथ के केस में, डेथ ऑफ पार्टनर के केस में नोटिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना होता है. डेथ इज द ओनली केस जहां पे आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना है. एक्सपेल्शन है और उसके बाद में आपका रिटायरमेंट है, दोनों में आपका जाता है, पर डेथ और इंसॉल्वेंसी में आपका कोई पब्लिक नोटिस नहीं जाता है. फाइन. तो एक तो आपकी नोटिस वाला पॉइंट वहीं खारिज हो जाता है. दूसरी बात, फैक्ट इज नोन टू डेम, इन्होंने लिख दिया है. तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है कि नोटिस जाएगा नहीं जाएगा, वो भी इन्होंने हटा दिया. फाइन. उन्होंने बोल दिया कि उन्हें पता है. फाइन. तो नोटिस होना नहीं होना यहाँ पे मायने नहीं रखेगा. ओके. तो ये पॉइंट तो आपका हट गया. दूसरी बात कि हमने जो ऑर्डर दिया था बिफोर डेथ ऑर्डर दिया था, बट जो डिलीवरी हुआ वो आफ्टर डेथ डिलीवरी हुआ. फाइन. तो इसमें क्या हुआ कि लायबिलिटी कब आई? लायबिलिटी आई आफ्टर डेथ. फाइन. अब दूसरी चीज हमारे पास में आई कि प्राइवेट इस्टेट ऑफ अ पार्टनर इज लायबल और नॉट आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका शेयर जो फर्म में है वो लायबल हो सकता है, पर किसी भी पार्टनर के आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर प्राइवेट इस्टेट लायबल नहीं होता है. तो चाहे वो ऑर्डर कभी भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से काम हुआ हो, प्राइवेट इस्टेट फॉर द एक्ट आफ्टर डेथ ऑफ पार्टनर बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा. तो यहाँ तो आप केस कर ही नहीं सकते. एक और छोटी सी बात, एक और क्वेश्चन है जो सिमिलर है, जिसमें यहाँ पे बाकी पार्टनर्स की कंडीशन भी पूछी गई है एंड इस क्वेश्चन में उसे नहीं पूछा गया है. तो आप यहाँ पे रिस्ट्रेन कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्राइवेट इस्टेट जो है वो लायबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? उसके सारे प्रोविजन डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर आपके पास दिए गए हैं, उसे आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, पूरा क्वेश्चन वहां से आ जाएगा. राइट. क्लियर है एवरीवन? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1. क्या कह रहा है ये? Mr. P was running a shop selling good quality washing machine. Good quality washing machine. Fine. Mr. Q came to his shop and asked for washing machine which is suitable for washing woolen cloth. Fine. ठीक है? Woolen cloth के लिए washing machine चाहिए. उन्होंने अपना purpose बता दिया है. Mr. P showed him a particular machine which Q liked and paid.
Later on, the machine was delivered and it was found that it was the wrong machine and unfit for washing woolen clothes. He immediately informed Mr. P about the delivery of wrong machine. Mr. P refused to exchange the same, saying that the contract is complete by the delivery. Now, what is the question? Question is, with reference to Sale of Goods Act, discuss whether P is right as refusing the exchange of the machine. अब आपको ये बताना है कि क्या P इसे actual में refuse कर सकता है या नहीं. तो देखिए, एक बात तो बहुत ही simple है कि सर मशीन गलत आई है तो रिफ्यूज तो वो नहीं कर सकता. दूसरी बात, हम यहाँ पे प्रोविजन कौन सा डालेंगे. सर प्रोविजन में यहाँ पे इन्होंने बताया है अपना पर्पस, तो क्वालिटी एंड फिटनेस डाल देते हैं, करेक्ट. बट देयर इज अ ट्विस्ट. क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि पी ने मशीन दिखाई थी क्यू को, राइट. क्यू ने मशीन सेलेक्ट करी थी, पसंद करी थी, डिलीवरी गलत की हुई है. इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन भी दिया और सैंपल भी देखा, तो दिस इज अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल. दैट इज व्हाई दिस राइट इज देयर कि पी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता है. सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सेल बाय सैंपल एंड इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल. जो सैंपल देखा वो भी नहीं आया, जो डिस्क्रिप्शन दिया वो भी नहीं हुआ, राइट. तो सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों पॉइंट यहाँ पे आएंगे और इस कारण से पी रिफ्यूज नहीं कर पाएगा और पी को वो मशीन एक्सचेंज करके देना होगा, करेक्ट. सिंपल था. हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि मैम यहाँ पे क्वालिटी फिटनेस क्यों नहीं आया. तो क्वालिटी फिटनेस इसीलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है और सैंपल भी दिया गया है. उन्होंने चेक किया है. अगर उन्होंने चेक नहीं किया होता तो फिर भी यहाँ पे क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन आ सकता था, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास में इम्पोर्टेंट क्या होगा कि हम पॉइंट एक्सप्लेन कौन सा कर रहे हैं, ओके. यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन और सैंपल वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है, क्लियर. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. या काफी देर बाद में हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया, राइट. तो हमारे पास जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर, डिस्कस एंड एक्सप्लेन द कंटेंट. नाउ दिस इज अ न्यू क्वेश्चन दैट वी एक्सप्लोर. कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम बताना है आपको. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है मैम. सिक्स पॉइंट्स हैं. डायरेक्ट क्लॉजेस हमारे पास दिए गए हैं जो कि हमारे पास में कॉमन होता है, जैसे कि नेम आपका क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, राइट. तो ये सिक्स क्लॉजेस आपके पास में एकदम क्लियर दिए गए हैं और ये कंटेंट आपको यहाँ दिखना है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन आ जाएगी कि चार्टर्ड है, रूल बुक होता है ये. तो हर चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है, सिंपल, सोबर, डायरेक्ट फ्रॉम द बुक. सीधा सा क्वेश्चन आया है, करेक्ट. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगेन अ न्यू क्वेश्चन. एक्सप्लेन द टर्म कॉशन एंड द इफेक्ट्स. तो ये भी मैम हमें बहुत अच्छे से पता है. कॉशन मतलब आईपीसी के रूल यहाँ लग जाएंगे. कोई भी रूल वॉयलेट हुआ है तो आईपीसी यहाँ पे लग जाएगा, वो आपका कॉशन में आ जाएगा. इफेक्ट क्या होता है मैम? सबसे इजी, वॉइडेबल होता है. वॉइडेबल होगा, यहाँ पे इम्पैक्ट आ गया और आपका काम कंप्लीट. सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपके पास आंसर बनता है, एकदम सिंपल. कॉशन का मतलब बता दीजिए, वॉइडेबल का मतलब बता दीजिए, वॉइड हो सकता है, वैलिड हो सकता है, ये बता दीजिए. हाँ, एक चीज और आएगी कि वहां पे उनके डिसीजन पे इंपैक्ट होना चाहिए, ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना है. खत्म. सीधा सा पांच पॉइंट, सीधा सा आंसर, डायरेक्ट फ्रॉम द मॉड्यूल. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस अंडर द प्रोविजन. तो सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए तो आपके पास में दो तरीके हैं. आप वॉलंटरी डिसोल्यूशन करवा सकते हैं और आप बाय कोर्ट डिसोल्यूशन करवा सकते हैं. तो देखिए, इन्होंने मेंशन तो किया नहीं है कि वॉलंटरी जाएगा कि कोर्ट जाएगा. तो आपको दोनों पॉइंट देने हैं. पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर लिखना है. दोनों पॉइंट्स बता दीजिए. वन लाइन एक्सप्लेनेशन इज इनफ. उससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. आप चाहें तो सिंगल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं. सीधा सीधा सारे पॉइंट्स आपके पास में आ जाएंगे कि हमें किस तरीके से फॉर्म को डिसॉल्व करवाना है. फाइन, क्लियर. फाइनली वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 5% आर ओनली मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी फ्लावर फैन लिमिटेड. ऑल ऑफ देम गो इन अ बोट फॉर अ प्लेजर ट्रिप टू एन ओपन सी. फाइन, द बोट कैप्चर्स एंड 5 dies बीइंग ड्राउन्ड. अब आपको बताना है कि क्या ये फॉर्म अभी भी एग्जिस्टेंस में है. Second is, further, is it correct to say that the company being an artificial person
cannot own property and cannot sue or being sued. तो देखिए ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, नया क्वेश्चन नहीं है, पर इसका बहुत ही सीधा सा आंसर है सर, प्राइवेट कंपनी बोल दिया इन्होंने, तो क्या प्राइवेट कंपनी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? ऑफ कोर्स होती है. तो प्राइवेट कंपनी में नो लॉन्गर एग्जिस्टेंस की तो बात ही नहीं आएगी सर. एक तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, वाउंड अप बाय कोर्ट ही होगा. अगर इसको कोर्ट वाइंड अप नहीं कर रहा है तो सर कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप इसको बंद कर ही नहीं सकते. तो वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो उन्हों हो गया. सेकंड में वो पूछना है ओन सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हम यही तो बता रहे सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो हम ओन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी केस भी कर सकते हैं, करेक्ट. तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है, कंपनी के फीचर्स लिखने हैं. एकदम सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल आसान सा इसका आंसर है, करेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन आवर एमटीपी. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन. नाउ अगर हम इस एमटीपी का क्लासिफिकेशन करने जाएंगे, काफी अच्छे क्वांटिटी में इन्होंने केस स्टडीज दिए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छा आपका पेपर है, पर हाँ रिपीटेड क्वेश्चन थे प्लस न्यू क्वेश्चंस भी थे. तो इट इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम ICAI, आप इसे जरूर सॉल्व करें. एमटीपी और आरटीपी को छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, सारे क्वेश्चंस आपको चेक करके जाने हैं. प्रीवियस एमटीपीज और आरटीपीज भी आपको देखनी है. इनकेस प्रीवियस एमटीपीज आरटीपीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एज वेल एज वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. प्लस उनको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है चैनल के ऊपर. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, अब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस एमटीपी के वीडियोस भी देख सकते हैं. उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन अबो दोनों में मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ. तो आप उनको जरूर देखें. प्रीवियस ईयर एमटीपीज को भी हमें छोड़ के नहीं जाना है. मिनिमम 3 एमटीपी यानी कि आपका नवंबर 20, जून 21 और दिसंबर 21, तीनों की एमटीपीज आपको कवर करके जानी है. तीनों के वीडियोस आप देख के उसे फटाफट कवर कर सकते हैं. अगर आपको उसका हार्ड कॉपी चाहिए वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्लस वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है. तो आप दोनों जगह से जहां पे भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ में आंसर्स भी दिए गए हैं, तो आपको वो भी चेक करने हैं कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं. इन केस आपको लिखने में कुछ इश्यूज है, डाउट्स हैं, तो हमारे पास एक सेशन है लॉ का बाहुबली सेशन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम स्पेसिफिकली केवल और केवल राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं. दूसरी चीज हमारे लाइव सेशन है. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, आप May 22 में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप उन लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका पढ़ाई स्टार्ट हो पाए, राइट. तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इन केस यू हैव एनी अदर क्वेरीज डू मेंशन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन द नंबर्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन और आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा. उसके साथ में अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि हम उस पर भी हमारा नेक्स्ट वीडियो पेश कर सकें. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी. बाय बाय.